आओ बेटा क्वेश्चन नंबर वन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का मैं आपको सेकंड पार्ट कराऊंगा और फोर्थ पार्ट कराऊंगा। तो पहले फोर्थ कराते हैं, आंसर चेक करो अपना। 520 डिग्री ये झट से हो जाएगा इनटू पाई बाय 180। क्या आता है डिग्री मेजर को रेडियन में रेशियो में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, काटो इसे 52 जाएगा 26 पाई बाय 9। ये आ गया आंसर। सी लिखो या ना लिखो इट्स अप टू यू। अब आते इसका सेकंड पार्ट, दैट इज -47 डिग्री 30 मिनट्स। यहाँ आप में से कुछ बच्चों की मिस्टेक होगी क्या बेटा, देखो -47 डिग्री 30 मिनट्स, माइनस बाहर 47 प्लस 30 बाय 60। कई बच्चे सोचेंगे ऐसा क्यों बेटा, ये माइनस पूरी टर्म पे है, ये एक टर्म है ना उस पूरी टर्म पे, ना कि अकेले डिग्री पे है। तो क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट 47 प्लस 30 बाय 60। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। हाँ जी, तो कितना हो जाएगा ये मेरा, ये हो गया -95 बाय 2 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट करने के लिए -95 बाय 2 इंटू में पाई बाय 180, कट करो किसके टेबल में जाएगा 5 की, तो हो गया -19 पाई बाय 3672। क्या आंसर आ गया मेरा। ओके, अब जो आएगा वो आएगा उल्टा, अब रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना होगा। आओ बेटा इसके लिए मैं पिक करता हूं आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2, कन्वर्ट रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर। इसमें मैं पहले थर्ड पार्ट पिक कर रहा हूं, क्या है 5π/3। 5π/3 क्या होता है फॉर्मूला याद है, डिग्री मेजर का रेडियन मेजर इनटू 180 बाय पाई। तो क्या हो जाएगा 5π/3 इनटू 180 बाय पाई 60, कितना आ गया 300 डिग्री। चलो इसका फोर्थ पार्ट करके दिखाओ आप लोग। फोर्थ है 7π/6। अब मैं इसका टफ वाला करूंगा, मैं करूंगा एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 क्या है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। कैसे, ध्यान से फोकस करिएगा, एक छोटा सा हम पहले नोट लिख लेंगे, एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं क्या, कि पाई को हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते, पाई शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर, पाई को डिनोमिनेटर में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अगर ये डिनोमिनेटर में हो तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, इफ इट इज इन डिनोमिनेटर, अगर पाई डिनोमिनेटर में हो देन यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7, तो पाई को 22/7 यूज करो। सर क्वेश्चन है 3.14 बोल दिया तो 3.14 बोल करना। तो आओ अब जरा इस पर लगाते हैं, 6 रीडिंग को करते हैं, 6 इंटू 180 बाय पाई। सर कट रहा है पाई, नहीं उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट, 1080 आ जाएगा। आप चाहो ऐसे लिख लो 1080 बाय पाई या ना लिखो वो आपकी चॉइस है। अब पाई किस में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, और मैंने बोला पाई डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, पिछले क्वेश्चन में पाई से पाई कट गया इसलिए काम चल गया, बट इस क्वेश्चन में पाई नहीं कटा तो क्या करूंगा बेटा, जब नहीं कटता तो पाई की वैल्यू डाल देते कितनी 22/7, नीचे वाला रेसिप्रोकल 1080 इंटू में 7/22। काटो अगर कट रहा है तो, हाँ बिल्कुल कट रहा है, कितने पे 2 से 540 इंटू 7/11,
540 तो 3500 और मेरा 40 का 280 तो ये आ गया 3780। क्या है 3780 बाय 11 डिग्री, ये आंसर। बट अभी नहीं लिखूंगा, ध्यान सुनो। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे, सबसे क्रूशल स्टेप है बेटा, 11 से डिवाइड करना स्टार्ट करिए। रफ वर्क, 11 से डिवाइड करिए 3780, 333, 48, 4 पे जाएगा 44, 4 बचा, फिर 3 पे जाएगा 33, राइट, 7 रिमाइंडर बचेगा। तो मैं यहां लिखूंगा 343 डिग्री। अब जो रिमाइंडर बचा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 60, और फिर क्या करो, 11 से डिवाइड कर दो, यानी 420 को 11 से डिवाइड कर दो। आई रिपीट वन सेकेंड, यहां तक पहुंच गए, यहां तक तो कोई इशू नहीं होगा। जब ये 3780 बाय 11 आ गया तो डिवाइड करो, जो आंसर आया वो पहले डिग्री का हुआ, रिमाइंडर जो आया 60 से मल्टीप्लाई और अगेन 11 से डिवाइड करो, इसे डिवाइड तो जाएगा 3 पे 33, कितना बच गया 9, इस पे जाएगा 8 पे आपका 88, कितना हो गया 2, तो ये आ गया 38 मिनट्स। अगेन सेम स्टेप, क्या जो रिमाइंडर आया उसको 60 से मल्टीप्लाई, 2 × 60 120, 11 से डिवाइड, सीधा बता रहा हूँ 10 पे जाएगा 110, ठीक है, कितना आ गया 10। अब लास्ट में सुन लो, यहाँ नहीं करूँगा, यहाँ पॉइंट में निकालूंगा। ऐसा क्यों सर, ध्यान सुनो, पहली टर्म डिग्री की होगी, अगली टर्म मिनट्स की, लास्ट सेकेंड, सेकेंड्स क्या करते हो, है ही नहीं हमारे सिलेबस में, ठीक है, तो सेकेंड्स की होगी तो पॉइंट पे निकाल लूंगा, 0.099। तो 10.9 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बनेगा, 11 सेकेंड्स। तो आंसर क्या हुआ, 343 डिग्री 38 मिनट्स 11 सेकेंड्स। कैसे करा, दोबारा स्टेप समझो, 11 से डिवाइड, ये आंसर आया डिग्री का, रिमाइंडर बचा 60 से मल्टीप्लाई, फिर उसको भी 11 से डिवाइड, जो आंसर आया उसको 60 से मल्टीप्लाई और 11 से डिवाइड, आपका फाइनल आंसर ये बनेगा। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, उसके थ्रू बहुत अच्छे समझ आएगा। आइए बेटा पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 3.1 का ही है। क्या 11/16, चलो 11/16 इंटू 180 बाय पाई, पाई डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये 90, ये मेरा 8, और कट कर दो 45, पाई की वैल्यू 22/7, नीचे वाले टर्म रेसिप्रोकल, 11 × 45 × 22/7 काटो 2, तो 45 × 7, तो 40 मेरा हो गया आपका 280 और 35 तो 315 by 8। अब क्या करूंगा, 315 को 8 से डिवाइड करेंगे, पहले 8 × 3 = 24 = 7 9 = 72 3, तो पहला आ गया 39 डिग्री। नेक्स्ट 3 को 60 से मल्टीप्लाई, 3 × 60 = 180 को 8 से डिवाइड, 2 16 20 16, तो क्या आ गया 22 मिनट्स, 4 बज गया, फिर से सेम स्टेप, 4 को 60 से मल्टीप्लाई, 240 को 8 से डिवाइड, तो डायरेक्टली 30 पे चला जाएगा, तो आ गया 30 सेकेंड्स, ये इसका फाइनल आंसर है, 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। एक छोटा सा क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट -4, वीडियो को पॉज करो और अटेम्प्ट करो।